हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्रेन सेटर्स। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एनसीईआरटी डिटेल लाइन बाय लाइन क्लास 10 की चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। चैप्टर का नाम क्या है? नेशनलिज्म इन इंडिया लाइन बाय लाइन। तो दोस्तों, आप लोग तो अब तक इस चैप्टर का वीडियोस देख लिया होगा यूट्यूब में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर में वो आपको सब मालूम हो गया। लेकिन एक चीज़ खटकती होगी, वो क्या कि अगर हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लेते ना तो क्वेश्चन एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता। तो आपकी मन की बात एकदम सच है। तो आप जैसे ही बुक लेकर के बैठते होगे तो आपको मालूम ही है कि क्या हो जाता है, सबके ये कॉमन चीज़ है। तो आज मैं आपका इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको लाइन बाय लाइन सब कुछ समझा दूंगा एनसीईआरटी के इस चैप्टर की बुक की, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया है एनसीईआरटी का बुक मेरे पास। तो आपको सबसे पहले रूबरू करवा देता हूँ कि क्या क्या टॉपिक है इसके अंदर, क्या सब टॉपिक है और क्या क्या पढ़ने हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे मेन टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, चैप्टर का ही नाम है। ये थोड़ा सा इंट्रो पार्ट है इसका, आप अपना बुक खोल करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे फुल्ली न्यू टॉपिक आता है। क्या आता है? फुल्ली न्यू टॉपिक, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसका हिंदी भी बता देता हूँ, पहला विश्व युद्ध, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो ये पहला फुल्ली न्यू टॉपिक है, एकदम न्यू टॉपिक है इस चैप्टर का। अब ये थोड़ा उसके बारे में है, ये टॉपिक का क्या है। फिर इसके अंदर एक सब टॉपिक आता है 1.1, क्या है? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का आइडिया कहाँ से आया? महात्मा गांधी ने ही स्टार्ट किया था, तो उनको ये आइडिया किधर से आया भारत में स्टार्ट करने का, इसमें वो पढ़ेंगे। जब मैं इसका वीडियो बनाऊंगा तो आपको ये सारा कुछ आपको क्लियर करवा दूंगा। दूसरा सब टॉपिक आता है द रॉलेट एक्ट। आपने सुना भी होगा रॉलेट एक्ट, कभी कभी जब कभी पेपर वगैरह में आप सुने होंगे द रॉलेट एक्ट। ये दूसरा सब टॉपिक है इस न्यू टॉपिक का। सेकेंड क्या आता है टॉपिक? Why नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग ही क्यों? असहयोग ही क्यों? ब्रिटिश लोग का हेल्प नहीं करना मेनली क्या होता है इसी में, उसका हम सहयोग नहीं करेंगे तो ऐसा क्यों करना, वह इस टॉपिक के अंदर बताया गया है Why नॉन कोऑपरेशन। यह थर्ड सब टॉपिक था। अब इसके बाद न्यू टॉपिक आ जाता है गाइज। तो यानी उस मेन टॉपिक के अंदर कितने सब टॉपिक है? 3 सब टॉपिक है। तो ये आप बात ध्यान में रखिएगा। ऐसे करने से क्या होगा कि दिमाग में बैठ जाए कि इस चैप्टर में इतना टॉपिक है, इतना सब टॉपिक है और इतना पढ़ना है, तो वो आपको लगेगा कि कितना छोटा चैप्टर है, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले इससे रूबरू करवा देता हूँ कि क्या क्या चैप्टर है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या टॉपिक है इसके अंदर। तो पहला फुल सेकेंड न्यू टॉपिक यहाँ पे आता है डिफरिंग स्ट्रेंथ्स विद इन द मूवमेंट। विद इन मतलब होता है अंदर अंदर, इस आंदोलन के अंदर लोग अलग अलग लोग खड़े हुए थे। जैसे किसान लोग, किसान खड़े हुए थे, ट्राइबल्स खड़े हुए थे, शहर के लोग खड़े हुए थे, गांव के लोग खड़े हुए थे इस मूवमेंट है महात्मा गांधी के साथ, वही चीज़ है इसमें। इसके अंदर सब टॉपिक क्या था? पहला सब टॉपिक मूवमेंट इन टाउन्स, यानी शहर के जो लोग थे वह इस आंदोलन को किस तरह देखे, किस तरह समझे, किस तरह लिए, भाग लिए, ये भी पार्टिसिपेट किए इस आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ। सेकेंड आता है सब टॉपिक रिबेलियन इन द कंट्री साइड्स। तो वही चीज़ है, कंट्री साइड मतलब कंट्री के साइड, मतलब कंट्री साइड कौन? गांव देहात इलाका, यानी गांव के लोग कैसे लिए इस आंदोलन को, उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। सेकेंड सब टॉपिक, थर्ड सब टॉपिक आता है, क्या है वो थर्ड सब टॉपिक देखें, स्वराज इन द प्लांटेशन। स्वराज इन द प्लांटेशन यानी जो प्लांटेशन वर्कर्स होते हैं, जो प्लांटेशन वर्कर्स है अहमदाबाद में है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो आदमी वहाँ काम करता है उसको ब्रिटिशर्स लोग छुट्टी नहीं देते, घर जाने के लिए नहीं देते, अनुमति नहीं देते, चाहे घर में कुछ भी हो जाए, क्या चोरी चपाटी, बिजली उजली, कोई भी मर जाए, उसको घर जाने नहीं दिया जाता था अपने प्लांटेशन से। इसलिए तो वहाँ के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे अपने आज़ादी चाहते थे, इसलिए वह महात्मा गांधी के इस आंदोलन में खड़े हुए, उसके बारे में यह दिया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट
यह थर्ड सब टॉपिक था इस मेन सेकेंड सब टॉपिक का। ये चौरी चौरा है, आपको मैं बता दूंगा, ये अलग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आता भी है एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्या है, थर्ड मेन टॉपिक क्या है, टुवार्ड्स सिविल डिसओबिडियंस। टुवार्ड्स सिविल डिसओबिडियंस सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी इसका मतलब क्या, जो सेकेंड मेन टॉपिक था उसके अंदर भी कितने सब टॉपिक है, तीन सब टॉपिक है। अभी इस सेशन में तो कुछ कुछ डिलीट हुआ है, फिर भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि पढ़ना तो जरूरी है, देश के बारे में नहीं जानेंगे तो और क्या जानेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, टुवार्ड सिविल डिसओबिडियंस, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है ये भी आपको बता दूंगा, जब ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर पहला सब टॉपिक आता है द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबिडियंस मूवमेंट। सॉल्ट मार्च अगर आप सुने होंगे तो आपको मालूम होगा, नहीं होंगे तो मैं बता देता हूँ। तो ब्रिटिशर्स लोग क्या थे ना, कि समुद्र से सॉल्ट निकलता है, नमक निकलता है, आपको मालूम है, तो उस पर क्या बैन लगा दिए थे। अब तो नमक तो सभी लोग खाते हैं, ऐसा कोई है जो नमक नहीं खाता हो, तो सभी के लिए अब ये अकाल पड़ने लगा, नमक नहीं रहेगा तो कैसा रहेगा। तो महात्मा गांधी के साथ सब क्या डांडी मार्च किए थे, डांडी गए थे, डांडी समुद्र तट पर, और वहाँ पर सॉल्ट बनाए थे समुद्र के पानी को उबाल करके, तो उसी के बारे में है, उनका लॉ को डिसऑबे किए थे, इसलिए इसका नाम क्या है, द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट सब टॉपिक क्या आएगा इस मेन टॉपिक के अंदर, ये देखिए, सब डांडी मार्च जा रहे थे, ये महात्मा गांधी आपको मालूम ही है, और इन सभी के साथ जा रहे थे डांडी मार्च। तो ये सब फोटो गाइज आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में भी आ जाता है फोटो, और ये क्या है उसके बारे में ऑप्शन में एमसीक्यू में। नेक्स्ट सेकंड सब टॉपिक आता है हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। जो अलग अलग पार्टिसिपेंट्स है, ट्राइबल्स, किसान वगैरह, वो किस तरह देखते, तो वही चीज इसमें बताया गया है। थर्ड सब टॉपिक क्या आता है, काफी बड़ा है लग रहा, हाँ, थर्ड सब टॉपिक क्या आता है, द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबिडियंस। लिमिट्स ऑफ सिविल, अब क्या हुआ था कि एक बार महात्मा गांधी ना, अंग्रेज लोग पूरा गुस्सा हो गया था जब सॉल्ट बना लिया था, मेरा लॉ को डिसओबे किया, तो वो बहुत ज़्यादा वो सबको जेल में बंद करने लगा। तो महात्मा गांधी एक बार ये मूवमेंट बंद कर दिए, फिर से स्टार्ट किए थे, तो जो इसमें पार्टिसिपेट किए होंगे ना, उनको इस पर विश्वास उठ गया, इसलिए जो ये सिविल डिसओबिडियंस था वो थोड़ा लिमिट में होने लगा, जितना लोग पहले था उतना लोग नहीं था, क्योंकि विश्वास उठ गया, क्योंकि एक बार पार्टिसिपेट किया उसका फायदा नहीं हुआ, इसलिए वो उनका विश्वास उठने लगा, इसलिए वो लिमिट में चला गया, मतलब अब उस पर कोई विश्वास ही नहीं करने लगा। अब क्या आएगा, अब नेक्स्ट चौथा मेन टॉपिक है, फुल्ली न्यू टॉपिक, यानी इससे क्या हुआ कि जो थर्ड मेन टॉपिक था उसके अंदर भी कितने सब टॉपिक है, थर्ड सब टॉपिक। नेक्स्ट आता है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इसका मतलब क्या होता है कि एकजुटता, कलेक्टिव बिलोंगिंग मतलब एकजुटता का भावना, सेंस मतलब भावना, यानी एकजुट, आप जैसे देश को एकजुट होकर के लड़ना सिखाने के लिए चाहिए ना, कोई गीत वगैरह चाहिए, सुनना पड़ेगा, 15 अगस्त में आप सुनते ही होंगे, इतने सारे गीत हैं, फॉल्स है, कविताएं हैं, जो अपने देश के प्रति है, देश का धरती माता के लिए, भारत माता के लिए है, तो वही चीज इसमें बताया गया है। ये बाल गंगाधर तिलक का पिक्चर है, ये भी लिखते थे गाना वगैरह, गीत वगैरह आप सुनते ही होंगे 15 अगस्त 26 जनवरी में, तो अपने भारत धरती माता, भारत माता के लिए, अपने देश के प्रति जो भावना प्रकट करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, वही चीज़ है इसके अंदर, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ये चौथा टॉपिक था, इसके अंदर कोई सब टॉपिक नहीं है गाइज, ये सिर्फ छोटा सा टॉपिक है। और नेक्स्ट आता है कंक्लूजन, नेक्स्ट आता है कंक्लूजन, जो पूरे इस चैप्टर में क्या है वो बताया गया, और नेक्स्ट कोई एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, तो ये भी मैं आपको समझा दूंगा, आंसर के सहित आपको मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा इसका वीडियो। तो आज चलिए देखते हैं इसका इंट्रो पार्ट, इंट्रो पार्ट क्या है इस चैप्टर का, तो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा, आप अपने बुक में पढ़िएगा या फिर देखते जाइए, समझते जाइए। तो पहला आता है एज यू हैव सीन मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। इसका मतलब क्या हो कि यूरोप में जितने भी राष्ट्रवाद थे, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद, वो किससे जुड़े हुए थे, नेशन स्टेट्स बनाने में, अलग अलग नेशन बनाने से जुड़े हुए थे, यानी अलग अलग देश, अलग अलग नेशन का गठन में जुड़े हुए थे, जितने भी नेशनलिज्म हो रहा था, विवाद विवाद हो रहा था, सब क्या था, अपना
नेशन से जुड़ा हुआ था कि नेशन बनाना है, अपना देश, मेरा देश अलग चाहिए, अपना देश चाहिए। तो इट ऑल्सो मीन्ट ए चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे वेयर एंड वट डिफाइंड देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ के लोगों के अंदर कुछ समझ आई कि हाँ, ये मेरा देश है, मेरी धरती है, मेरी धरती माता है, जो भी है, ये लोग कौन है जो मेरे धरती को पर कब्जा कर रहे हैं। ठीक है, नए 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 सिम्बल्स, न्यू सिम्बल्स एंड आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज, फॉर्ज्ड न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज। यानी इसका मतलब क्या, नए नए सिम्बल्स बने, नए नए आइकन्स बने, नए नए सिम्बल्स, नए नए आइकन्स बने, और ये सब क्या लोगों के अंदर एक गुस्सा भाव, जोश प्रकट कर रहे थे अपने देश के प्रति कि हाँ, ये मेरी देश है, इस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। तो ये सब क्या हुआ था, न्यू न्यू सिंबल्स वगैरह बनाए गए थे, जागरूक कर रहे थे, अपने आप को यूनिट कर रहे थे, यूनाइट कर रहे थे। एंड फिर से जब यूनाइट हो गए तो अलग अलग देश के बाउंड्रीज बन गए, बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज इन मोस्ट कंट्रीज। तो क्या था, इन मोस्ट कंट्रीज मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वॉज लॉन्ग प्रोसेस। इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वॉज लॉन्ग प्रोसेस, मतलब इस तरह के जो प्रोसेस हैं अपने देश को नेशनल आइडेंटिटी लाने के लिए, मैं अपने देश का पहचान करने में कोई कोई देश को ज़्यादा समय लग गया, जैसे भारत को बहुत ज़्यादा समय लग गया, बहुत ज़्यादा दिन शासन किए अंग्रेज लोग। हाउ डिड दिस कॉन्सियसनेस इमर्ज इन इंडिया। अब ये बात उठती है कि इस तरह का आइडियाज़ अपने देश की पहचान करेंगे, अपने देश को, अपने भारत के लोगों को कैसे आई, यह आइडिया कहाँ से निकला। तो चलिए देखते हैं, यह क्वेश्चन उठेगा तो इस चैप्टर में वो भी पता चल जाएगा कि किसने उठाया ये आइडिया कि अपने देश की पहचान करो। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, इन इंडिया एंड एज इन मेनी अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो भारत में क्या था, अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों को भगाने बाद भी ना अपना देश की पहचान होगी कि हाँ, ये मेरा देश भारत है, ये है, तो वो हम लोग कब्जा कर लिया था। तो क्या है, पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म। क्या किया कि लोग अपने यूनिटी, अपने लोगों को जागरूक करने लगा कॉलोनियल मतलब क्या होता है, उपनिवेशवाद जिसको बोलते हैं, जो दूसरा देश हम लोग पे कब्जा कर लेता है किसी देश में, तो वह क्या होता है, कॉलोनियल सिस्टम वहाँ लग जाता है, इसलिए वो पहले का वर्ड्स है इंग्लिश वर्ड। तो आगे क्या आता है, द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड ए शेयर्ड बॉन्ड एंड टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स, बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली एंड देयर एक्सपीरियंस वेयर वेरिड एंड देयर एक्सपीरियंस वेयर वेरिड। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंस ऑफ बीइंग ऑपरेस्ड, जो अंग्रेज लोग सबको ऑपरेस्ट करते थे ना, किसान लोगों को दबाते थे, नील की खेती करने पे ऑपरेस करते थे, दबाव डालते थे कि तुम नील की खेती करो, प्लांटेशन वर्कर्स को घर जाने नहीं देते थे, तो ये सब क्या हुआ, एकजुट बनाने में मदद किया। जैसे कि हमको अंग्रेज नील का खेती करवाना चाहता है ज़बरदस्ती, हम करना नहीं चाहते हैं, तो जो मेरी मदद करना चाहेगा हम उसके साथ रहेंगे। इसलिए तो इस तरह का जो दबाव था कॉलोनियलिज्म के तरफ से, तो हम लोगों को एक तरह से बॉन्ड में टाइट कर रहा था, यानी एक यूनिटी बना रहा था, यूनिटी। एंड बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली, है ना, कि अलग क्लास के ग्रुप अलग अलग तरीके से इफेक्ट कॉलोनियलिज्म का था, वह इसको दबाव डालता था कि अलग अलग ग्रुप के लोगों को अलग अलग तरीके से दबाव डालता था अंग्रेज लोग, यह एक्सपीरियंस वेरिड होता रहता था। ठीक है, तो एंड देयर नोशन ऑफ फ्रीडम वेयर नॉट ऑलवेज द सेम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वह उसका मतलब जो विचार था फ्रीडम होने का, आज़ाद होने का, जैसे प्लांटेशन वर्कर्स क्या चाहेगा कि हम यहाँ से आराम से कभी आए, काम करें कभी ना करें, आज़ादी चाहिए उसको कि अपने परिवार के साथ मिले।
नील की खेती करवाता था जबरदस्ती अंग्रेज लोग किसानों से, वह क्या चाहते हैं, वह उनके उनके हिसाब से क्या फ्रीडम आएगा कि हमें जबरदस्ती ना करवाया जाए नील का खेती हम लोगों से हमारे जमीन पर, क्योंकि एक बार अगर नील की खेती हो जाए तो वह जमीन पूरी बंजर बन जाती थी, इसलिए किसान लोग नहीं चाहता था इस नील का खेती करना। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका था स्वतंत्रता पाने का, फ्रीडम चाहिए सब लोगों को। तो अब क्या आता है, द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू फॉर्ज दीज ग्रुप्स अंडर विद इन वन मूवमेंट। इन महात्मा गांधी जो कांग्रेस के साथ है अंडर थे, वह कोशिश किए कि इन सभी लोगों को एक मूवमेंट के अंदर एकजुट करें, एकजुट यानी यूनिटी करें, हम लोग यूनिट हो जाए तो तब अंग्रेजों से लड़ सकेंगे। ठीक है, तो इन सभी लोगों का तो चाहिए फ्रीडम, इन सभी लोगों को। तो महात्मा गांधी के अंदर ये आइडिया आया कि इन लोगों को एकजुट करना चाहिए तब अंग्रेजों से लड़ना चाहिए। बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। इतना आसान थोड़ी था, सोच लिया और सब लोग एकजुट हो गए, इसमें बहुत सारी परेशानियाँ हुई। ठीक है, तो महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा परेशानी, कॉन्फ्लिक्ट मतलब ये आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई इसमें। अब क्या होगा, इन नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, इन अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव रीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया अप टू द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। इन दिस चैप्टर, इसका लाइन, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि अब तक आपने पढ़ा होगा 1910 तक पढ़ा होगा कि क्या हुआ, क्या भारत में नहीं हुआ, अंग्रेज आए, अंग्रेज में क्या क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत आए, इससे लड़वाए, 9th क्लास में था ना ऐसा। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में था, इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी ऑफ 1920s एंड द स्टडी ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसका हिंदी क्या होता है, नॉन कोऑपरेशन मतलब असहयोग आंदोलन और सिविल डिसोबीडियंस मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस साउट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट, हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल। यानी इस पूरे लाइन का मतलब क्या है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन और सहयोग आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर जानेंगे कि कांग्रेस किस तरह देश को एकजुट बनाने में मदद किया था, नेशनल मूवमेंट में मदद किया था अंग्रेजों के खिलाफ, सोशल ग्रुप्स वगैरह। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही चीज़ पढ़ना था। तो आज ये इंट्रो पार्ट कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड खिलाफत मूवमेंट। तो ये नेक्स्ट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप खोज लीजिएगा, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा इस चैप्टर का। तो आज इस वीडियो में इतना ही, आपको मैंने क्या बताया, इंट्रो बता दिया और क्या क्या टॉपिक थे इसमें। तो दोस्तों, अगर आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिला होगा इस वीडियो से तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए, यही मेरे लिए बहुत है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, हेल्प ले सके, गरीब से गरीब बच्चा। तो गाइज, आपको करना क्या मैं बता दूँ, नीचे दिए गए लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक करना जैसा कि मैं कर रहा हूँ, रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और पास बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना। तो गाइज, शेयर करना ना भूलें। ओके गाइज, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।